हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि न्यू MSME रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस कैसे किया जाता है। वैसे ये MSME रजिस्ट्रेशन था, पर आज की डेट में इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। अगर आपको MSME रजिस्ट्रेशन न्यू लेना है या उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है, तो जो हम वीडियो बना रहे हैं उसको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली फाइल कर पाएंगे और आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये टोटली फ्री होता है, इसमें कोई भी फीस अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई फीस जमा होती है इसमें। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये रजिस्ट्रेशन। पहले ये MSME रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए ओनली वैलिड होता था, बट अब ये अभी इसको ट्रेडर्स भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो MSME रजिस्ट्रेशन के ऊपर रहेगी, क्या क्या इसमें चीज़ें आपको भरनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, या क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देनी है भरने के लिए, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ज़रूर करिएगा। और चलते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना है गूगल पर। गूगल पर हमें लिखना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन जीरो कॉस्ट नो फी एंड फ्री रजिस्ट्रेशन का एक फर्स्ट ऑप्शन आएगा, उस पर आपको जाना है। तो दोस्तों, आपको ओनली उद्यम www.udyamregistration.in पर जाना है। इसकी बहुत सी फेक साइट है, उस पर आपको नहीं जाना है। आपको ये साइट जो हमने दिखा रहे हैं, इस उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप। ये आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपको एक न्यू इंटरफेस खुलेगा। इसमें MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है, वेलकम टू रजिस्टर हेयर में फॉर न्यू एंटरप्राइज वू आर नॉट रजिस्टर्ड या अटैच MSME, तो इस पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। और अगर आपका पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो न्यू इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आधार वेरिफिकेशन के लिए एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आधार नंबर आपको डालना है। और सेकंड जो आ रहा है उसमें नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी का नाम, आपको अपना नाम डालना पड़ेगा आधार के अकॉर्डिंग। नीचे आप जाएंगे तो एक चेकबॉक्स है, इस पर आपको टिक करना है और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे जाना है। ये आप वैलिडेट पर जाएंगे तो एक OTP का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको OTP डालना है, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा, OTP डाल के आपको वैलिडेट पे जाना है। और इस नेक्स्ट में आप जाएंगे तो इसमें पैन नंबर डालना पड़ेगा, इससे ITR का वेरिफिकेशन होता है। टर्न ओवर उसका जो क्राइटेरिया है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इस स्टेप आप जाएंगे तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रकार का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप है, कौन सी आपकी फर्म है या कंपनी है, वो आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उनका पैन नंबर आपको डालना है। आप देख रहे होंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें ऑथराइज पर्सन है, इसका आधार हमने लगाया, वो भी आप सेलेक्ट कर सकेंगे उसका। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो ऑथराइज पर्सन है। और प्रोपराइटरशिप है और HUF है या पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आप क्या क्या योगदान है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके, वो आप डायरेक्टर हो, कौन हो, कोई भी हो सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे प्रोपराइटर ले लिया है, प्रोपराइटर का यहाँ पे हम पैन नंबर फिल करेंगे। नंबर डालने के बाद में पैन वैलिडेट पर जाना है। पैन वैलिडेट होने के बाद में आपको कंटिन्यू पर जाना है। तो कंटिन्यू करने के बाद में आपको देखेंगे कि जिसका GST है या जिसका नहीं है वो अप्लाई कर सकता है, पर पैन नंबर होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास GST है वही अप्लाई कर सकता है, इसके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन। कंटिन्यू पर जाने के बाद में आप न्यू पेज ओपन होगा, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हैव यू फाइल्ड दी ITR प्रीवियस ईयर, हाँ या आपने पिछले साल का ITR अगर फाइल किया है तो यस करिएगा, अगर नहीं तो नो। की डिटेल ऑटोमेटिकली आएगी, अगर आपने किया है तो इस पर यस आ जाएगा, अगर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली नो पे सेलेक्ट हो जाएगा। और सेकेंड आप देखेंगे उसमें डू यू हैव GSTIN, अगर आपका GST है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो, अगर एग्जेम्प्टेड छूट वाला है आपका तो आप एग्जेम्प्टेड पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप GST नंबर पे यस कर देते हो, यहाँ पे GST नंबर की आपको डिटेल डालनी पड़ती है और वेरीफाई होता। अगर आप GST नंबर नहीं डालना चाहते हैं, अगर आप छूट में हैं तो एग्जेम्प्टेड पर कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या कोई जो आप मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं, और ईमेल आईडी फिल करनी है यहाँ पे। सेकंड आपको देखेंगे तो कैटराइजेशन किस तरह से है ओनरशिप का या MSME के थ्रू, तो आप शेयर किस प्रकार से हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, सारी कैटेगरी किस प्रकार से हैं इसकी, कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन ओनरशिप का वो किस किस तरह से लिया हुआ है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, किस तरह से आपको यूज़ करना वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। पे आप देख रहे हो इन केस ऑफ प्रोपराइटर से एंटरप्राइज कैटेगरी यूनिट वुड बी सोशल कैटेगरी ऑफ ओनर, मतलब जो प्रोपराइटर है वो खुद ही ओनर रहेंगे इसकी। तो आप नेक्स्ट देखेंगे
8 ऑप्शन में सोशल कैटेगरी सामाजिक वर्ग, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, एससी से आते हैं, अनुसूचित से, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, वो आप यहाँ पे आप कैटेगरी कास्ट कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट 9 नंबर पे आप देखेंगे कि मेल जेंडर किस क्या है, कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर्स हैं, तो यहाँ पे आप मेल फीमेल या अदर्स में से जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप 10 नंबर पर देखें, अगर स्पेशली कोई दिव्यांग है या कोई उसको प्रॉब्लम है फिजिकली या मेंटली, वो यहाँ पे यस और नो पे जाना है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। 11 ऑप्शन में यहाँ पे आपको अपनी फर्म का नाम फिल करना है, जो आपकी फर्म का नाम है, फर्म का नाम एंटर करते हुए यहाँ पे ऐड यूनिट पर क्लिक करना है। फिर 12 ऑप्शन में यहाँ पे आपको ये नाम दिखाई दिया जाएगा, उसको सेलेक्ट करके उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको फिल करना है, फ्लैट, परिसर, भवन का नाम, विलेज, टाउन, किस जगह पे, ब्लॉक, अपने मैन्युफैक्चरर की डिटेल लगाई है, मैन्युफैक्चरर हैं आप तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर का एड्रेस फिल करना है। अगर आप ऑफिशियल एड्रेस आपका अलग है तो नीचे आपको 13 ऑप्शन में दिखाई देगा ऑफिशियल एड्रेस, कार्यालय का पता, वो उसमें आपको वहाँ पे फिल करना है। अगर आपका घर का एड्रेस है तो दोनों में आपको घर का सेम एड्रेस रखना है। फैक्ट्री है तो आपको फैक्ट्री का एड्रेस ऊपर देना है, यूनिट का एड्रेस, और नीचे ऑफिशियल एड्रेस कार्यालय का पता देना है। एड्रेस आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट होगा उस पर एड्रेस की डिटेल आती है, ऑफिशियली एंड फैक्ट्री वगैरह की। दोनों एड्रेस आप जो फिल कर रहे हैं उसका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट है या कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच तो करना नहीं है, बट आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए। अकाउंट में आप देखेंगे कि स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस, तो इसमें ए नंबर में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, इसमें आप आज की डेट डाल सकते हैं या पिछली कोई डेट डाल सकते हैं, बट फ्यूचर की डेट इसमें फिल नहीं कर सकते। और बी ऑप्शन है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंट, ने अगर बिजनेस या प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया या नहीं कर दिया उस पर यस और नो पे जाना है। हम यस पे ही क्लिक करना है कि हमने हाँ अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, डेट आप उसमें डाल दीजिएगा। देखें 16 नंबर बैंक डिटेल्स, आपको अपनी यहाँ पे सेविंग है या करंट है या ओडी है, वो आपको यहाँ पे बैंक का विवरण डालना है, एंटर बैंक नेम डालना है, एफएससी कोड डालना है और बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। आप 17 नंबर में देखेंगे कि आप इकाई के प्रमुख व्यक्ति होते हैं और मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट हम मैन्युफैक्चरिंग में लेना चाहते हैं, सर्विसेज सेवा में लेना चाहते हैं, विनिर्माण में, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते हैं उस पे आपको यस और नो पे जाना है। सर्विसेज पे जाएंगे तो यहाँ पे कोड आएंगे NIC कोड, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं, ये आपको कोड सेलेक्ट कर लेने हैं, जो भी आपका कोड लगता है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी सर्विस की, वो यहाँ पे आपको फिल कर देने हैं चारों में ऐड कर देना है। अगर आप सर्विस में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी कोड आपका लगता है जिस कोड में आपको सर्विस करनी है। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें ट्रेडिंग में भी आप कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत से कोड दे रखे हैं, रिटेल सेल इसमें भी आप देख सकते हैं, तो आपको जो भी लगता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप नीचे जाएंगे 19 नंबर में, तो यहाँ पे नियोजित व्यक्ति की संख्या मतलब नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉय का कार्य रहते हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको 10 से कम रखने, अगर आपने 10 से ज़्यादा रख दिया तो आपको ESI और PPF का नोटिस आ सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 10 से नीचे रखने हैं। कितने हैं पुरुष, कितने हैं स्त्री, कितने हैं फीमेल, कितने हैं अन्य, कितने हैं, तो टोटल यहाँ पे आपको डालना है। नीचे देखेंगे कि सिंस यू हैव पेन योर रिटन डाउन वैल्यू WDV एंड टोटल टर्नओवर वुड बी ऑटो फील्ड, मतलब आपके पेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटो फील्ड टर्नओवर आ जाएगा। अगर आपका ऑटो फील्ड नहीं आता है तो मतलब आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने ITR 3, 5 या 6 फाइल करी है तो इसमें ऑटोमेटिकली फैसिलिटी है कि वो WDV उठा के लाता है ऑटोमेटिकली। GST के थ्रू भी कोई आपने सेल या एक्सपोर्ट की कुछ किया है तो उसकी भी ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। GST, इनकम टैक्स और सभी पोर्टल को यहाँ पे लिंक और किया गया है इसमें MSME। आपने ITR में नहीं फाइल किया है, GST में भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। 0 है तो 0, अगर आपका कोई अमाउंट है तो वो फिल करना है आपको। नया बिजनेस कर रहे हैं तो 0 फिल करिएगा, पे 0 टर्नओवर वगैरह सब में 0 आपको फिल करना है अगर आपको नया बिजनेस है तो। और एक पॉइंट है, आर यू इंटरेस्टेड गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट, यहाँ पे आपके गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं, वहाँ पे आप अगर गवर्नमेंट ई टेंडर जो निकलता है उस पर आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। और सेकेंड 23rd है आपका, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर ऑन ट्रेड्स पोर्टल ऑन वन मोर, ये भी आपको अगर टेंडर फाइल करने है गवर्नमेंट की पोर्टल पर, इस पर भी आपको यस फिल करना है। तो अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही यस कर देंगे तो आपको इसका ID पासवर्ड मिल जाएगा, पर पूरी डिटेल नहीं आएगी। तो इसमें हमको नो ही फिल करना है, क्योंकि इसमें हमें इसका अगर यस कर दिया तो हमें इसका ID पासवर्ड इसको भी अब मैं रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए हमने इसको नो कर दिया है। इसके लिए हम पहले अप्लाई कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो बाद में हम इसको यस कर देंगे एडिट करके।
तो दोस्तों इसमें आगे आपको आ रहा है सबमिट एंड वेरीफाई। तो इसमें सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर आप जाएंगे तो ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपने फिल किया है उस पर, एमएसएमई और ईमेल आईडी, उस पर ओटीपी जाएगा, वो फिल करना है और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, देखिए आप 5 मिनट में खुद ही इसको रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं घर बैठे। फाइनल ओटीपी जो आएगा उसको फिल करना है, फिल करने के बाद कैप्चा फिल करना पड़ेगा आपको और सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो उस पर इस तरह का मैसेज आएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसको आपको सेव कर लेना है और 2 या 3 दिन में आप इसी साइट पर, उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पर आप जाएंगे तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का आपको प्रिंट निकल आएगा। उस पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल जो आएगी, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन आएगा, वो आपको दिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और आपका ये उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसको आपको सेव करके रख लेना है और 1-2 दिन में आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इसी पे आपको मिल जाएगा। प्रिंट वेरीफाई में जाना है और प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन पर जाते ही उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको डालना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल करते ही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रिंट होके आ जाएगा, तो डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा आप कलर या ब्लैक एंड व्हाइट में। तो आज हमने बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, एमएससी में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आगे भी आपको हमारी अगर अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।